So now, I am here with a new series of school readiness program. School readiness program मतलब विद्यालय तत्परता कार्यक्रम. This program is usually done in केंद्रीय विद्यालयास, and the main aim for doing this program is to enhance the reading writing skill of a child by doing small activities. Okay. एंड वी जनरली स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. बेसिक्स से हम स्टार्ट करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बच्चा जो है वो एक कोरी स्लेट के जैसा हमारे पास आ रहा है और हम उसको जो है नई नई चीज़ें जो है वो एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं. यह जो प्रोग्राम है इसमें हम बच्चों को स्कूल के एटमोसफेयर के साथ, स्कूल की के साथ उसकी बिलोंगिंगनेस को बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले आज हम इस एक्टिविटी में एज फॉर आई एम टेकिंग द एक्टिविटी फॉर इंग्लिश. ओके. So we will have one activity. In this picture you can see that some lines are being drawn. आप देख रहे हैं बहुत सारी lines जो है वो बार बार आ रही है जा रही है. So today we will study about lines and strokes. Lines and strokes, they are very useful both for English and mathematics. Okay. For English it is used for writing letters and for mathematics it is used for drawing different shapes. Okay. So we will proceed. The first thing is the standing line. सबसे पहली चीज है standing line. You can see this picture in this. This picture is showing that the rain is falling. Okay. So you can see the pattern of rain. आप rain का pattern देख सकते हैं कि how the rain is falling. Similarly, again we will see our one more picture. This is a picture of a tree. Okay. In this, you can see this is a picture of an apple tree, and you can see that apples are there on the tree. And by seeing these two pictures, इन दो pictures को देखकर हम standing line का जो concept है वो समझेंगे. अब आप देखिए ये जो pattern है, just see this pattern of raining. आप ये जो pattern देख रहे हैं, इस pattern में आप देख रहे हैं कि ये straight line में, मतलब सीधी line में ये जो fall, जो rainfall हो रहा है. Similarly अगर आप यहाँ देखते हैं, ये stem या trunk देखते हैं अगर आप tree का, तो ये भी देखते हैं ये एकदम सीधा है, खड़ी रेखा, सीधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन. सो आप फिर से देखिए इस तरीके का, अगर आप ये जो रेन का पैटर्न है अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो आप इस तरीके का देखेंगे. सिमिलरली ये आप देखेंगे अगर इसको, तो ये स्ट्रेट. सो दिस इज नोन एज स्टैंडिंग लाइन. अब ये तो आपको समझ में आ गया स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन इस स्टैंडिंग लाइन को हम जो अपनी फोर लाइन की जो नोटबुक है उसमें इस तरीके की फोर लाइन्स होती हैं, ये दो ऊपर की रेड और नीचे बीच की दो ब्लू. तो हमको ये स्टैंडिंग लाइन को लिखने का पैटर्न समझना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन में. ठीक है. तो जनरली वी यूज थ्री लाइंस. हम ना तो आगे ये देखेंगे कि लेटर्स को हम जब लिखते हैं तो कैसे यूज करते हैं. कुछ लेटर्स जो है वो ऊपर की तीन लाइन में होते हैं, कुछ लेटर्स मिडिल की टू लाइंस में, एंड सम लेटर्स इन द लास्ट थ्री लाइंस. सो वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स इन द अदर वीडियोस. नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन. तो स्टैंडिंग लाइन ऐसे डॉटेड करके ये देखिए, हमने ऊपर की तीन लाइनों में, थ्री लाइंस वी हैव ड्रॉन दिस स्टैंडिंग लाइन. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग लाइन. नाउ सेकंड इज स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग मतलब सोता, स्लीपिंग मतलब सोना होता है. तो स्लीपिंग मतलब जैसे ये बेबी को आप देख रहे हैं, ये बेबी सो रहा है. ठीक है. सो इस बेबी का जो पैटर्न है ये शो करता है स्लीपिंग लाइन. अब हम वो कैसे करता है वो हम पहले देख लेते हैं इसके पहले और एग्जाम्पल्स. ये देखिए एक शिप है, बोट है, जो कि पानी में चल रही है एकदम सीधे, ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे सीधे चल रही है. ये देखिए ये प्लेन है, एरोप्लेन है, और ये भी कैसे चल रहा होता है, ऐसे सीधे चल रहा होता है. तो अगर हम इसका पैटर्न देखते हैं तो बच्चा जो सो रहा है वो इस तरीके से सो रहा है. ये देखिए ऐसे स्लीपिंग लाइन. ये जो है बोट है, यास्ट है, ये इस तरीके से मूव कर रही है. सिमिलरली ये जो एरोप्लेन है ये इस तरीके से मूव कर रहा है. तो ये जो मूवमेंट है दिस इज द स्लीपिंग लाइन. अब हम फिर से देखते हैं फोर लाइन में हम स्लीपिंग लाइन को कैसे बनाते हैं. तो हम स्लीपिंग लाइन को बनाने के लिए हम ये तीनों लाइनों का यूज कर सकते हैं ऊपर की. ठीक है. लेकिन मैंने अभी बीच में ये दो लाइन को यूज करके आपको स्लीपिंग लाइन बताई है. इस तरीके से आप ये स्लीपिंग लाइन जो है वो बनाएंगे. ओके. सो यू कैन सी दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द स्लीपिंग लाइन. ठीक. नेक्स्ट इज स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग का मतलब होता है बेंड. बेंडिंग कैसे हो रही है, बेंडिंग किस तरीके की हो रही है वो देखते हैं. अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन देखी. अब ये जो है ये पिक्चर है एक माउंटेन या हिल का, एक हिल का पिक्चर है. आप ये हिल देख रहे हैं. ठीक है.
और ये सेकेंड पिक्चर है, ये तो आपने देखा होगा क्रिसमस के समय रहता है ये क्रिसमस ट्री। अब इन दोनों पिक्चर्स में हम स्लैंटिंग लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये एक स्लैंटिंग लाइन है और ये जो है ये इसी प्रकार की सेम ये स्लैंटिंग लाइन है। ये जो सीधी लाइन है ये आगे की तरफ बेंड हो गई है, इस बेंड हो गई है आगे की तरफ, फॉरवर्ड लीन हो गई है, फॉरवर्ड झुक गई है, या हम और ये बोल सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड पर झुक गई है। ठीक है, अगर हम देखते हैं जब हम राइटिंग करते हैं नोटबुक में तो ये राइट हैंड साइड पर झुक गई है, ऐसे ये भी राइट हैंड साइड पर सामने से झुक गई है। नेक्स्ट जो लाइन है ये देखिए, ये वाली, ये भी एक तरह की स्लैंटिंग लाइन है लेकिन ये जो है बैकवर्ड झुकी है, बैकवर्ड तरफ ये झुकी हुई है, या हम बोल सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ स्लांट हुई है, ये राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ। सिमिलरली यहाँ देखते हैं क्रिसमस ट्री में भी ये जो है ये लेफ्ट की तरफ स्लांट हुई है। तो नाउ वी विल टेक वन टाइप ऑफ स्लैंटिंग लाइन। फर्स्ट वी विल टेक, देखो ये राइट स्लैंटिंग लाइंस और ये जो है ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, दिस इज द राइट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज द लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 1-1। ओके, तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन का। ठीक है, राइट स्लैंटिंग लाइन मतलब राइट बेंडिंग लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल सी सम एग्जांपल्स, जैसे हमने पहले बादल में से पानी का पैटर्न, बारिश का पैटर्न देखा था। सिमिलरली बारिश का पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, अगर विंड का फ्लो जिस तरफ होता है बारिश का पैटर्न वैसा उस तरफ हो जाता है। तो इस जगह पर अगर हम देख रहे हैं तो ये बारिश का पैटर्न जो है वो स्ट्रेट नहीं है, ये बेंड है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये ट्री है, ये ट्री जो है कोकोनट का, ये भी बेंड है, ये स्ट्रेट नहीं है। हमने पहले जो ट्री देखा था वो स्ट्रेट था, ये लेकिन ये बेंड है। तो अगर हम एक बार फिर से इसको लाइन में देखते हैं, ये देखिए ये राइट स्लैंटिंग लाइन और ये भी देखिए राइट स्लैंटिंग लाइन। अब हम इसको फिर से फोर लाइन में बनाकर देखते हैं कैसे बनेगी। तो हम ये रेड लाइन से ये ग्रीन ब्लू लाइन तक इसको ज्वाइन करते हैं। देखिए, तो दिस इज ऑल अबाउट राइट स्लैंटिंग लाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट स्लैंटिंग लाइन। ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, राइट स्लैंटिंग लाइन के हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। ओके, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन में पहले हम एग्जांपल देखते हैं, तो वैसे ही हम फिर से बारिश का पैटर्न देखते हैं कि वैसे हमने पहले भी देखा था बारिश का पैटर्न, पहले स्ट्रेट देखा था उसके बाद हमने राइट देखा, अभी यहाँ पर देखिए ये हम ये देख रहे हैं और ये जो है वही सेम ट्री जो है इसको हमने जो देखा है वो किस तरीके से देखा है, अब ये लेफ्ट की तरफ स्लांट। सो बाय द लाइन ऑल्सो वी कैन सी, देखिए इस तरीके से लाइन में ये देखिए जब बारिश का ये जो पैटर्न आ रहा है ये देखिए, और ट्री में भी अगर हम देखते हैं तो ये भी लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है। सो वी विल ड्रॉ दीज टू लाइन, दीज टाइप ऑफ लाइन्स ऑन फोर लाइन। हाउ वी विल ड्रॉ इट, ओके, हाउ वी विल राइट इट, सी दिस इज द वे। ओके, आई एम यूजिंग थ्री अपर थ्री लाइन्स। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन ड्रॉ द स्लैंटिंग लाइन। ओके, नाउ zigzag line is also there. Zigzag line is the mixture of left slanting line and right slanting line. So just now we will see this type of zigzag pattern. जैसे क्लाइ आप समझ लीजिए कि जैसे हिल हो, आपने इस तरीके का पिक्चर ड्राइंग में बनाया होगा, ऐसे आपने हिल बनाया होगा, उसके पीछे से सूरज निकलता हुआ बनाया होगा। तो ये जो है वही जो अभी हमने इसको मैंने इससे अभी बताया, क्योंकि राइट स्लैंटिंग और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमको ऐसी zigzag line मिलती है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे zigzag line को, तो पहले हमने क्या किया, राइट स्लैंटिंग लाइन, देन लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट। पहले हमने इसको ऐसे किया, राइट लेफ्ट अगेन, राइट लेफ्ट, और अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, हमने इस लाइन को लंबा बना दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट zigzag लाइन। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी लर्नड अबाउट द लाइंस एंड द स्ट्रोक्स। नाउ द कर्व्स आर लेफ्ट, सो कर्व्स वी विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चिल्ड्रन, thank you for watching this video and stay tuned for my next video. In that video we will see some more videos related to our school readiness program. Stay tuned for that videos. God bless you all.